सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड गाइस, वंस अगेन आज मैं चलाने वाला हूँ हस्क्वर्ना स्पार्ट पिलन 401। एंड ये हस्क्वर्ना बोलने में मुझे तीन चार टेक्स लग गए। वीडियो में मैं शायद से फ्लो में हस्क्वर्ना ही बोलने वाला हूँ, सो उसके लिए मुझे पहले से माफ़ी मांग लेता हूँ। बट वापस से इसको चलाने का क्या मतलब है, आई थिंक पहले मैं ऑलरेडी इसको राइड कर चुका हूँ एंड इस पर ऑलरेडी डिटेल राइड रिव्यू चैनल पे है, राइड रिव्यू, वॉक अराउंड एंड काफ़ी सारे बाइक्स के साथ मैंने इसको कंपेयर भी किया था। बट गाइस, वंस अगेन आई एम गोइंग टू राइड दिस मोटरसाइकिल बिकॉज अभी देख सकते हो यहाँ पे ये बाइक आती है अभी अपोलो ट्रैम्पलर XR टायर के साथ। पहले जब मैंने लास्ट टाइम इसको चलाया था, जब लॉन्च इवेंट में हमें बुलाया गया था, तभी ये बाइक आई थी पिरेली स्कॉर्पियन रैली STR टायर के साथ, यानी कंपनी ने काफ़ी ढिंडोरा पीटा था। खैर, वो सब चीज़ें मैं आगे डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। एंड वीडियो का पर्पस आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा टाइटल थंबनेल देख के, व्हाट वेंट रॉन्ग विथ हस्क्वर्ना स्पार्ट पिलन 401 एंड क्यों ये बाइक मार्केट में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। अगर मैं सेल नंबर की बात करूँ तो ये बाइक दिखने में इतनी खूबसूरत है पर फिर भी क्यों इतनी ज़्यादा नहीं बिकी। एंड वहीं पर इसकी छोटी सिबलिंग विट पिलियन 250 जो शायद से दिखने में उतनी ज़्यादा प्रीमियम नहीं है जितनी ये है, वो क्यों इतना ज़्यादा बिक रही है। ये दोनों के जो सेल्स नंबर है उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एंड काफ़ी लोग बोलेंगे माइट बी प्राइस इशू एंड वो थोड़ी सी छोटी डिस्प्लेसमेंट की मोटरसाइकिल है तो डेफिनेटली माइलेज वगैरह ज़्यादा देगी, पर ऐसा नहीं है बिकॉज इससे ज़्यादा प्राइस पॉइंट में ड्यूक 390 आती है। तो ड्यूक 390 यार काफ़ी तगड़ी सेल नंबर शो करती है मार्केट में। एंड फीचर्स तो यार भर भर के, यार राइडिंग मोड यहाँ पे दिखा रहा है पर राइडिंग मोड आई थिंक आपको एक ही मिलता है, स्ट्रीट एंड ABS इज स्विचेबल। ABS अभी इसका ऑन है तो इसको हम चाहे तो सुपर मोटो यानी कि रियर ABS इसका ऑफ कर सकते हैं। एंड MTC मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल ये भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ऑन था। एंड ईजी शिफ्ट यानी कि क्विक शिफ्टर आई थिंक तो ये इसकी ऑन है। एंड इंटरफेस आप चेंज कर सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा मिनिमम में लगाने वाला हूँ, रिड्यूस्ड, ये मेरे को सबसे बेस्ट लगता है। सो गाइस, अभी देख सकते हो इसकी जो इंटरफेस है काफ़ी मिनिमल सी इंटरफेस अभी आपको इसमें देखने को मिलेगा, ज़्यादा कुछ टाइम वगैरह अभी इसमें देखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो यही मेरे को सबसे बेस्ट लगता है। तो अभी इसको थोड़ा सा राइड करते हैं एंड आप लोगों से शेयर करते हैं कि व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर हस्क्वर्ना स्पार्ट पिलन 401, क्यों ये बाइक नहीं चली उतनी मार्केट में। एंड वापस से इसको मैं राइड करने वाला हूँ, इस बार पिरेली के साथ नहीं बल्कि अपोलो के साथ। सो देखते हैं ये टायर कैसी है कैसी नहीं है। लास्ट टाइम जब मैंने चलाया था तो मैंने थोड़ी सी शिकायत की थी इसके लो एंड टॉर्क को लेकर, बाइक एक्चुअली उतनी वार्म अप नहीं है तो अभी थोड़ा सा शायद से इनिशियल में मुझे झटका मारेगी। बट इसमें मैंने देखा कि लो एंड टॉर्क अच्छी खासी है, मतलब थोड़ी सी मैं छोड़ रहा हूँ तो बाइक बहुत तगड़ा स्क्रॉल कर रही है। सो डेफिनेटली यूनिट टू यूनिट ये सब चीज़ें थोड़ा सा वेरी करती है एंड यहाँ से थोड़ा सा निकल जाते हैं। वाह, देखो पावर तो है, 46 PS की आप लोग को ऑलमोस्ट पावर मिलती है इसमें। सो काफ़ी दमदार स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल है। ओ भाई साहब, पूरा लेके उड़ रही है मेरे को। एंड इसको मैं ऑलरेडी राइड कर चुका हूँ तो उतना ज़्यादा मुझे इसे चलाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा एक राउंड यहाँ पे लाइक मेन रोड में एक लैप लेके थोड़ा समझ लेंगे कि बाइक की जो ग्रिप है अभी ये नए टायर की वो कैसी है कैसी नहीं है। तो गाइस अभी थोड़ा सा इसको खींचते हैं एंड फिर बाद में आपसे शेयर करते हैं कि बाइक में क्या क्या चीज़ें अच्छी है क्या क्या चीज़ें अच्छी नहीं है। एंड डेफिनेटली थोड़ी सी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट तो है। एंड लास्ट टाइम जो मैंने इसे चलाया था ना तो मैंने कहा था उसमें थोड़ी सी वॉबलिंग इशू थी, हालाँकि इसमें मुझे उतनी वॉबलिंग इशू फील नहीं हो रही, ये काफ़ी मुझे स्टेबल लग रही है उस वाले यूनिट से। एंड सामने फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर में थोड़ा सा खींचेंगे, लेट्स सी वॉबल करती है कि नहीं। वैसे इसकी बैटरी काफ़ी बैठी हुई है, हॉर्न बज नहीं रहा इसमें। वाह भाई साहब, यार ये यूनिट मुझे काफ़ी स्टेबल लग रही है उससे, हालांकि जब आप 120-130 क्रॉस करोगे तो थोड़ी सी वॉबलिंग आपको ज़रूर मिलेगी बिकॉज स्पोक व्हील्स है इसमें। द पावर मैन, इतनी पावरफुल स्क्रैम्बलर शायद ही कुछ है
एंड इट्स वेरी फ्लिकेबल क्योंकि इसमें सबसे छोटी टायर्स आपको मिलती है। व्हील सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो 17 इंच की आप लोगों को सामने पीछे टायर्स मिलती है, जबकि आप कोई बाकी स्क्रैम्बलर अगर आप उठा लो तो उनमें आपको सामने थोड़ी बड़ी टायर मिलती है, तो उतनी ज़्यादा मनोवरेबल, उतनी ज़्यादा फ्लिकेबल नहीं होती, बट ये काफ़ी फ्लिकेबल है, काफ़ी मनोवरेबल है। सो डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट फन टू राइड स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल इन द सिटी। सिटी में अगर आप इसको लेकर थोड़ा सा फन करना चाहते हो तो डेफिनेटली सबसे बेस्ट रहने वाली है। 46 PS की पावर एंड 39 न्यूटन मीटर की आपको टॉर्क मिलती है एंड डेफिनेटली बेस्ट इन द सेगमेंट है। ये बाइक मैं पहले भी राइड कर चुका हूँ तो डेफिनेटली इसके पावर एंड टॉर्क से मैं वाकिफ हूँ, बट जो चीज़ मुझे देखनी थी इसकी ग्रिप, जो अपोलो की टायर है, अपोलो ट्रैम्पलर XR ग्रिप ठीक ठाक ही प्रोवाइड कर रही है, तो डेफिनेटली उतना कुछ इशू नहीं है। एंड ये जो टायर है ना, ये एक्चुअली जो पिरेली स्कॉर्पियन रैली STR का प्लेटफॉर्म है उसी को बेंचमार्क रख के बनाया गया था, तो डेफिनेटली उतना ज़्यादा आप लोगों को कुछ ग्रिप में प्रॉब्लम नहीं आने वाला। बट डेफिनेटली जो चीज़ प्रॉब्लम है वो ये है कि ये अभी भी आप लोग को 3,50,000 ऑलमोस्ट ऑन रोड कोलकाता यहाँ पे आती है, एंड यानी कि जो प्राइस पॉइंट है दैट इज़ सेम। एंड अगर आप थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करोगे तो आप लोगों को मालूम होगा कि जो पिरेली स्कॉर्पियन रैली एंड अपोलो ट्रैम्पलर XR दोनों का जो प्राइसिंग है, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो डेफिनेटली जो इंडियन टू व्हीलर बायर्स है वो इतने बेवकूफ़ तो है नहीं कि आप एक चीज़ बोल के दूसरी चीज़ दे दो एंड वही सेम प्राइस पॉइंट में। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक 15,000 to 10,000 का प्राइस ड्रॉप देखने को मिलना चाहिए था, जो कि हमें देखने को नहीं मिला। बाकी देखो मुझे इस टायर से उतनी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ग्रिप ये भी ठीक ठाक ही प्रोवाइड कर रही है, एंड जितनी बाइक की पावर है आई थिंक मैनेज कर ले रही है। हालांकि जो पिरेली थी वो थोड़ी सी ज़्यादा स्टिकी थी, इसमें मुझे थोड़ी सी लाइक जब मैं थ्रॉटल दे रहा हूँ तो कभी कभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो टायर है उतना ज़्यादा जो पावर है उसको हैंडल नहीं कर पा रही है, बट आई थिंक दैट इज़ मैनेजेबल। एंड ऑल्सो आई थिंक जब मैं शोरूम से लेकर निकला था तो मैंने इसकी ट्रैक्शन कंट्रोल एंड ABS ऑफ कर दी थी, तो डैट्स वाई बाइक थोड़ी सी सामने से लिफ्ट हो रही है, यानी जब मैं थोड़ा सा अग्रेसिवली थ्रॉटल दे रहा हूँ। तो ये जो ड्यूक वाला कैरेक्टर है वो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा यहाँ पे। एंड जितने भी स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल्स है अभी इस वक्त टू व्हीलर मार्केट में, उनमें इतना ज़्यादा फीचर लोडेड एंड इतना ज़्यादा पावरफुल इंजन आपको शायद ही कोई देखने को मिलता है। एक ट्रैम्प स्क्रैम्बलर 400X अभी इस वक्त मेरे दिमाग में आती है, बट उसमें भी आपको इतना खूबसूरत 5 इंच का कलर DFT डिस्प्ले नहीं मिलता। एंड ऑल्सो फीचर्स डेफिनेटली इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है। अभी तक मैंने एक फीचर तो शायद इस वीडियो में उतना यूज़ नहीं किया, दैट इज़ क्विक शिफ्टर, सो वो भी थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा डाउन शिफ्ट करते हैं 4, 3, 4, 5, 6 मक्खन यार मक्खन, एकदम मक्खन अप शिफ्ट एंड डाउन शिफ्ट हो रहा है। एंड थोड़ा सा डाउन शिफ्ट करते हैं 5, 6 यार एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, इस यूनिट में उतनी ज़्यादा वॉबलिंग इशू नहीं है। लास्ट जो मैंने चलाई थी उसमें काफ़ी वॉबलिंग थी, पर इसमें एकदम मिनिमल वॉबलिंग मुझे देखने को मिल रही है, सो दैट्स अ गुड थिंग। बाकी आप लोगों को इसमें सस्पेंशन भी एडजस्टेबल मिलती है, एंड दिस इज़ द ओनली बाइक जिसमें आप लोगों को एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलती है, यानी सेगमेंट में, स्क्रैम्बलर सेगमेंट में, और कोई मोटरसाइकिल में आप लोगों को ये सब चीज़ें नहीं मिलती। हाँ, स्विचेबल ABS, स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल, ये डेफिनेटली आप लोगों को आई थिंक ट्रैम्प में मिल जाती है, बट एडजस्टेबल सस्पेंशन वाओ मैन। सो इस WP-APX के 43mm का आप लोगों को अपसाइड डाउन फोक्स मिल जाते हैं, वो भी एडजस्टेबल, एंड जो इसकी टर्निंग रेडियस है वो भी काफ़ी सही है। एंड अभी इसको ज़्यादा मैं चलाऊँगा नहीं, सीधा अभी मैं लेके जाऊँगा इसको शोरूम में, जो मुझे देखना था वो मैंने देख लिया। सो इस जो टायर का ग्रिप है उसमें 19-20 का ही फ़र्क है अगर आप सिटी में या फिर टारमैक रोड पे चला रहे हो तो। एंड अभी इसको वापस शोरूम के सामने ले चलते हैं, बट यहाँ पे काफ़ी क्राउडेड है तो मुझे थोड़ा सा खाली जगह चाहिए था आप लोगों से कुछ बातें करने के लिए कि क्या चीज़ है, अब इसमें स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, मैं आप लोगों से वो शेयर कर दूँगा। सो यहीं पर अपनी बाइक है, देख सकते हो, इसके पास लगा लेते हैं। ओके, सो बाय द वे गाइस, मैं आया था KTM VIP रोड बागवियाटी, तो आप लोगों को KTM एंड हस्क्वर्ना की कोई भी बाइक देखनी हो, टेस्ट राइड बुक करनी हो, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। शोरूम डिटेल्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, बट ये इसकी जो स्टैंड है ना ये थोड़ी सी अंदर की तरफ छुपी हुई है, तो ये एक चीज़ है,
सो एनीवेज गाइस, अभी फटाक से आप लोग को बोल देते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट मुझे लगती है एंड क्यों ये मोटरसाइकिल उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई इतनी पावरफुल एंड इतनी केपेबल होने के बावजूद भी। इतना सब कुछ आपको मिल जाता है, स्विचेबल ABS, स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल, देन आपको सस्पेंशन एडजस्टेबल मिलते हैं, क्लच लीवर्स, ब्रेक लीवर, सब कुछ आपको एडजस्टेबल मिलता है। यहाँ पर इतनी खतरनाक आपको DRLs भी देखने को मिलती है। हस्कवर्ना की अगर मैं Vetpillion की बात करूँ तो उससे डेफिनेटली बेटर है, पर फिर भी Vetpillion का जो सेल नंबर है वो इससे काफ़ी ज़्यादा है एंड वो सब चीज़ें मैं आप लोगों से अभी थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। सो गाइस, पहला जो चीज़ है वो है नीश। नीश यानी कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है। सो देखो, मुझे उस वीडियो में काफ़ी हेट पड़ी थी इस बात के लिए कि मैंने कहा था ये बाइक मुझे थोड़ी सी कंफ्यूज मोटरसाइकिल लगती है एंड मैं आज के टाइम में भी डेफिनेटली अपने उन बातों पे स्टिक करता हूँ। ये बाइक वाकई में लाइक जो नीश है इसकी कुछ क्लियर नहीं है। ये ना ही वाइड ऑडियंस के लिए बनी है, ना ही एकदम प्रॉपर जो ऑफ रोडिंग वाले ऑडियंस है उनके लिए बनी है। ये मतलब हस्कवर्ना ने आप लोगों को एक सॉफ्ट रोडर तो दे दिया है, बट उसमें जो चीज़ें हैं, जो आपके एडवांटेजेस है, जो आपको एक सिटी मोटरसाइकिल्स में रहती है, वो सब चीज़ें आप लोगों से ले लिया है। लाइक जो मुझे लगता है, जब आपने इसमें स्पोक व्हील्स ऐड किए विद ट्यूब टायर्स, तो आप लोगों ने उसको कमिट कर दिया कि आप वो बाइक बेचना चाहते हो उन लोगों के लिए जो लोग प्रॉपर ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं। बिकॉज जो लोग नॉर्मल है हमारे तरह, जो लोग लाइक ऑफिस ले जाएंगे या फिर कभी कभार टूरिंग में निकलेंगे, लॉन्ग टूरिंग में निकलेंगे, तो उनके लिए डेफिनेटली ये चीज़ थोड़ी सी हेडेक होने वाली है। तो हम लोग चाहेंगे कि हमारी बाइक में ट्यूबलेस टायर हो, ट्यूब टायर नहीं हो, तो डेफिनेटली वो एक चीज़ है। अगर इसमें हस्कवर्ना अलॉय व्हील्स का एक ऑप्शन दे देती या फिर इसी को ट्यूबलेस सेटअप के साथ लॉन्च करती तो वो ज़्यादा बेटर होता। सो डेफिनेटली ट्यूब टायर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस मोटरसाइकिल, जिसकी वजह से ये बाइक चली नहीं उतनी इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। एंड इस बाइक में मुझे उतनी वॉबलिंग इशू फेस करने को नहीं मिली, बट आई थिंक लास्ट जो मैंने यूनिट चलाई थी उसमें काफ़ी वॉबलिंग थी। एंड हालांकि उसमें Pirelli स्कॉर्पियन रैली STR टायर लगी हुई थी, इसमें अपोलो लगी हुई है, बट मुझे ग्रिप में उतना कुछ ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं दिखा। ग्रिप इज़ गुड एनअ, बट आपने जब इसमें अपोलो दिया है तो जो Pirelli टू अपोलो का जो प्राइस गैप है वो भी आप लोगों को थोड़ा सा माइंड में रखना चाहिए था। तो डेफिनेटली प्राइस इसकी थोड़ी सी कम होनी चाहिए थी, ये था एक और रीज़न। आपने जब इसको लॉन्च किया था Pirelli स्कॉर्पियन रैली का इतना तेज़ ढिंडोरा पीटा, फिर उसके बाद आपने अपोलो दे दिया वो भी सेम प्राइस पॉइंट में, तो डेफिनेटली जनता तो उतनी बेवकूफ़ है नहीं। नाउ गाइस, तीसरी ड्रॉबैक उसी का एक कंटिन्यूएशन है। अब देखो, आपने ट्यूब टायर दे दिया है ट्यूबलेस टायर के जगह एंड अभी आप एक वाइड ऑडियंस को हिट नहीं कर रहे हो, अभी आप एक सर्टेन नीश ऑफ ऑडियंस को हिट कर रहे हो जो कि एकदम प्रॉपर ऑफ रोड बायर्स है, जो कि प्रॉपर ऑफ रोडिंग करने वाले हैं, वो वाले मोटरसाइकिल बायर्स को अभी आप हिट कर रहे हो। अब क्या उनके लिए ये मोटरसाइकिल केपेबल है, या उनके लिए बाइक कितनी ज़्यादा सही रहने वाली है? वेल, पहली बात तो आप लोग इसमें ऑलमोस्ट 177 की ऑलमोस्ट ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो Duke 390 वाले एग्जॉस्ट है वही आपको देखने को मिलते हैं। सो जो वाटर वेडिंग कैपेबिलिटी है ना इन एग्जॉस्ट की उतनी अच्छी नहीं है। सो अगर यहाँ पे एग्जॉस्ट पाइप थोड़ा सा उठा रहा था तो वो बेटर होता। एंड ऑल्सो मैंने कहा आप लोगों की इसकी जो टायर प्रोफाइल है वो सिटी में चलाने के लिए बहुत बढ़िया है। 17 इंच के सामने पीछे आप लोगों को टायर मिल जाते हैं, बट जो छोटे टायर्स हैं ना इनकी थोड़ी सी ऑफ रोड कैपेबिलिटी थोड़ी कम होती है। डेफिनेटली आप इसको लेके अच्छे से फ्लिक कर सकते हो, यू कैन फ्लिक अराउंड द सिटी वेरी कम्फर्टेबली, वेरी इजीली, बट जब आप लाइक ऑफ रोडिंग कर रहे हो, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े लाइक ऑब्स्टिकल्स को आप टैकल कर रहे हो, तब आपको थोड़ी सी बड़ी टायर चाहिए होती है। तो उसके वजह से दिस बाइक इज़ नॉट अ वेरी केपेबल ऑफ रोडर। एंड ऑल्सो अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे इसके हैंडल बार्स देख सकते हो। मैंने ट्रायम्प स्क्रैम्बलर 400X भी चलाई है, उसमें आपको काफ़ी रेज हैंडल बार मिलते हैं। यहाँ पे जो हैंडल बार है ये काफ़ी सिमिलर आपको Vetpillion जैसे लगेंगे। सो ये जो राइडिंग ट्रायंगल है ना, ये जो राइडिंग अर्गोनॉमिक्स है, ये एज अ रोडस्टर मोटरसाइकिल काफ़ी बढ़िया है, बट अगर आप इसको ऑफ रोडिंग के लिए ले जाओगे, अगर आप इस पर सैडलिंग करना चाहोगे, तो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड मोटरसाइकिल, बिकॉज आपको थोड़ा सा और इसको रेज करना चाहिए था। एंड ऑल्सो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो एंड यहाँ पे भी देख सकते हो जो इसके फुट पेग्स है एंड जो इसके लीवर्स है, ये हमारे जो स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल है एकदम वैसे ही सेम है। तो डेफिनेटली जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ है वो यहाँ पे भी थोड़ी सी मार खा रही है, बिकॉज ऑफ रोडिंग में आपको चाहिए होता है स्पाइक्स। सो जैसे ही आपको एडवेंचर 390 में देखने को मिलती है, एडवेंचर 250 में देखने को मिलती है, या फिर ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर 400X की अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी आप लोगों को स्पाइक्स मिल जाती है, तो
दैट इज़ वन मोर प्लस पॉइंट टू अदर स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल्स, वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। सो गाइस, हस्क्वर्ना या हुस्क्वर्ना ने डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया मोटरसाइकिल बनाई है, काफ़ी पावरफुल मोटरसाइकिल बनाई है, काफ़ी तगड़ी मोटरसाइकिल बनाई, काफ़ी कुछ आपको ऑफर किया टेक्नोलॉजी वाइज एंड फीचर वाइज आपको बहुत कुछ मिल रहा है। बट हुस्क्वर्ना ने जो सबसे बड़ी ब्लंडर की है वो है इसकी ऑडियंस या इसकी नीस समझने में। सो अभी क्या है, ये बाइक एक सॉफ्ट रोडर मोटरसाइकिल है विथ ट्यूब टायर्स, एंड वहीं पे अगर मैं बात करूँ विटपिलन 250 की, तो डेफिनेटली उसका जो नीश है, उसका जो पर्पस है वो काफ़ी क्लियर है। डैट्स अ रोडस्टर मोटरसाइकिल एंड उसके जो ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस है, वो काफ़ी ज़्यादा है। डैट्स वाई उसके जो सेल नंबर है वो भी ज़्यादा है। एंड वहीं पे गाइस, अगर 401 की विटपिलन आती या फिर इसी में हस्क्वर्ना या हुस्क्वर्ना इसमें एक अलॉय वेरियंट आप लोगों को ऐड कर देता तो डेफिनेटली इसकी सेल बढ़ सकती थी। देखो, दोनों में से एक चीज़ मुझे लगता है करनी चाहिए थी, या तो इसमें एक ट्यूबलेस वेरिएंट ऐड कर देना चाहिए था, या फिर इसमें आपको थोड़ी सी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ इसकी थोड़ी ज़्यादा बढ़ाने देनी चाहिए थी, ताकि जो प्रॉपर ऑफ रोडिंग वाले बायर्स हैं उनको ही अच्छे से टारगेट कर सके। थोड़ी सी रेज्ड हैंडल बार, थोड़ी सी स्पाइक्स, फुटपेक्स एंड ब्रेक लिवर्स उन सब जगह में, सो डेफिनेटली तब ये मोटरसाइकिल थोड़ी सी ज़्यादा ऑफ रोड कैपेबल हो जाती। अभी भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ड्यूक 390 खरीदना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ द स्पॉइल्ड इमेज वो बाइक खरीद नहीं पाते, तो उनके लिए डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया ऑप्शन थी। बट अगर हस्क्वर्ना इसकी नीश सही रखता तो डेफिनेटली ये बाइक अच्छा परफॉर्म कर सकती थी। बाकी गाइस, ये था मेरा ओपिनियन हस्क्वर्ना या हुस्क्वर्ना 401 पे। बाकी आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट में बताओ। बाकी ये वीडियो इतना ही, वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब, बाकी इंस्टाग्राम हैंडल नीचे और फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं एक और वीडियो का व्लॉग में, तब तक राइड आउट राइड सेफ। जय हिंद, वंदे मातरम।